हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। मैं सुंदर डोरी और आप देख रहे हैं बनाना टेक। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ लेकर आपके लिए एक और नई वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप MGO जैसे कार्टून वीडियो किस प्रकार से बना सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा नॉर्मल तरीके से बताऊँगा मैं, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल्स चल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एक ऐप है टॉकिंग टॉम, ठीक है, उसका ऐप का नाम है टॉकिंग टॉम। उसमें केवल उस बिल्ले की गर्दन को यूज किया जाता है, बाकी अलग अलग कैरेक्टर में उसको चेंज किया जाता है, मतलब फ़ोटो लगा के उसकी गर्दन को वहाँ शिफ्ट की दी जाती है। केवल उसका मुँह के और आँखों की जो ब्लिंकिंग होती है, मुँह बोलता है और आँखों की ब्लिंकिंग होती है, केवल इतना ही चलता है। और वो जो वीडियो है, वो चैनल है काफ़ी, मतलब बड़े बड़े काफ़ी, मतलब मिलियंस में उसके व्यूज़ जाते हैं। ये कहें कि काफ़ी सब्सक्राइबर है उसके, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो काफ़ी पॉपुलर चैनल है वो, ठीक है। तो इस प्रकार आप भी MGO जैसे बना सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो वो नॉर्मल तरीके से किस प्रकार बना सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी काइन मास्टर की मदद से। तो काइन मास्टर में आप किस प्रकार से यूज कर सकते हो उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल लैब। डाउनलोड करने के बाद में आपको अपना कैरेक्टर तैयार करना पड़ेगा। कैरेक्टर आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक कैरेक्टर है, ठीक है, ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर है आपका। इस प्रकार से आप कैरेक्टर को तैयार करना है। इस प्रकार से कैरेक्टर तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको, ठीक है, सबसे पहले जो आपको करना है अपनी जो बैकग्राउंड है इसको करना है ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। आपको इसके लिए जाना होगा यहाँ पे जो चौथे नंबर का आप देख रहे हो ऑप्शन, इस पर जाना होगा, यहाँ पर कलर पर जाना होगा, ऊपर कलर सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन देना है। सबसे पहले तो या आप ग्रीन स्क्रीन आने के ओके कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में आपको जाना है तीसरे नंबर के उसमें शेप्स में, ठीक है, यहाँ पे जाना है और सेलेक्ट करना है। और यहाँ आपको ये देख सकते हैं ऊपर से चौथे नंबर पर आपके बीच वाला, ठीक है, यानी कि दसवें नंबर पर, ठीक है, 3, 6, 9, 11 और सॉरी 11वें नंबर पर ये देख सकते हैं बीच में, इस पर क्लिक करना है तीसरे इस पर। और इस पर आपको थोड़ा सा आपको सेट करना है, बस इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करके इस प्रकार से आप इसका कार्टून कैरेक्टर भी यहीं पूरा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद के अनुसार भी कार्टून कैरेक्टर बना सकते हो आप, देखो टून कार्ट में भी कार्टून कैरेक्टर के आपके केवल हाथों है, हाथ है जो केवल लाइन सी रहती है, उसमें ना तो कोई उंगलियाँ होती है ना कुछ, पैरों में भी कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो आप भी इस प्रकार से अपना कैरेक्टर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कैरेक्टर बनाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस प्रकार से पहले वो करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर आप यहाँ नीचे कलर दे सकते हो, कलर में मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है, या फिर आप रेड भी दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो आप अनुसार। चलो मैं ब्लैक ही दे देता हूँ, ये मेरा कलर हो गया। और आप चाहे तो इसको कलर देखो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो सीधे, अगर वहाँ नहीं करते हो तो कलर पर जाके यहाँ पर इसको करना है और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, वही ब्लैक कर देता हूँ अब इतना। इसके बाद में आपको आगे जाना है, आगे आप देख सकते हो इरेजर है, इरेजर का ऑप्शन यूज करना है आपको। इरेजर पर जाने के बाद में इसको थोड़ा सा आपको इरेजर पर जाने के बाद इसको आपको थोड़ा सा ऊपर से काटना हल्का सा, ये इधर थोड़ा लेवल में काटना है ताकि आप यहाँ पर गर्दन फिट कर सको इसकी, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ एक गर्दन लगानी है, ठीक है, गर्दन यानी कि नेक ऊपर से काटना है थोड़ा सा इतना सा। हाँ अब ठीक है, इतना ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा लेवल में लेना है आपको इसको, अब ठीक है, ओके कर देना है। फिर से मेरे को जाना पड़ेगा वापस रेजर में, ये ऊपर का रह गया थोड़ा सा, ये देख सकते हो अब ठीक है। तो ये हो गया मेरा, इसका जो धड़ है शरीर वो हो गया। अब इसको करना है हमको क्या, हमको अब इसकी गर्दन लगानी है, ठीक है। गर्दन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वही शेप में जाना होगा, शेप में क्लिक किया सेकंड नंबर पर, और शेप हम गोल ले लेते हैं यहाँ पे गोलाकार की, थोड़ा सा इसको हम लंबा कर देते हैं हल्का सा, और इसको थोड़ा साइज छोटी कर देते हैं इस प्रकार से, थोड़ा चौड़ा कर देते हैं हल्का सा, और ये हमारा शेप हो गई, ठीक है, गर्दन हो गई। कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर हम ये ले लेते हैं
ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से, तो इसको हम थोड़ा सेट भी कर सकते हैं इस प्रकार से, थोड़ा ऊपर तक ऐसे आप लगाना चाहो तो। बाकी यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा इसको चौड़ा कर सकते हैं हल्का सा, ताकि इस शेप में सही से बैठ जाए। अब भी ठीक है, चलो कोई नहीं, हम इसको थोड़ा साइज में छोटे कर सकते हैं हल्का सा, और इसको ऐसे कर सकते हैं। अब ठीक है, तो ये हो गया हमारी गर्दन। अब हम चाहे तो इसका पैर बना सकते हैं, पैर भी आप अलग अलग बना सकते हो, कोई अलग अलग बना दो चाहे एक जगह बना लो। तो पैर बनाने के लिए वही हमको सेम वही यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको यहाँ पे दे सकते हो, पैर मैं बना देता हूँ इसके कुछ इस प्रकार से, और कलर में जो देता हूँ उसको ये वाला। हमको वही इरेजर पर जाना है, इरेज, और हमको इस प्रकार से इसको यूज करना है। ठीक है, यहाँ से ये आटों को हटा देना, बाकी के जो ये ठीक है, और ये हमारे पैर बन गए। ठीक है, और इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसकी एक कॉपी और कर लेते हैं हम, दो हो जाएंगे ताकि। और यहाँ हम इसको इस प्रकार से छोटा करके ऐसे लगा सकते हैं इधर, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा है कार्टून कैरेक्टर, और नीचे आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं थोड़ा सा, कोई नहीं। आप चाहे तो इसको अलग से बना सकते हो, और काइन मास्टर में जाके पैरों को चला भी सकते हो, अलग से बना के रख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, वो हमको इसको बनाता है। अब हमको इसके जो हाथ है वो बनाने हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट मैं केवल नॉर्मल तरीके बता रहा हूँ आपको, आप चाहे तो पूरा इसको, क्योंकि पूरा बताने में काफ़ी टाइम लगता है और इतना टाइम होता नहीं है वीडियो बनाने में, तो मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके में बता रहा हूँ ताकि आप केवल वो कर सको। अगर आप चाहते हो मैं इसको पूरा सही से हाथों को हिलाना, पैरों को हिलाना, चलना फिरना सब कुछ बताऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। तो फ़िलहाल मैं अभी इसके हाथ बनाने जा रहा हूँ, और हाथ जो है सेम वही प्रोसेस अपनाना है मुझे हाथों का भी। थोड़ा साइज हल्की सी वो कर देता हूँ मैं, और हाथों को मुझे वही कलर देना है ये इस प्रकार से, और इसको मुझे इरेज कर लेना है थोड़ा सा। थोड़ा सा करना है, हमें ज़्यादा नहीं लेना, ताकि सेट होने में दिक्कत ना हो। ये हो गया, ठीक है, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। आप इसको दे सकते हैं यहाँ पे, ऐसे सेट करना है आपको। आप चाहे तो इसको सीधे भी लगा सकते हो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी सेट हो जाएगा ऐसे, और इसको ऐसे घुमा भी सकते हो। इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कलर दे दीजिए, ताकि ये कलर हम यहाँ से भी दे सकते हैं। इसको मैं ब्लैक ब्लैक ही देना पड़ेगा मुझे इसका कलर, ठीक है, तभी अच्छा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसको कुछ पहना रखा है, तो मुझे लगता है ब्लैक ही ठीक रहेगा इस कलर। और मैं इसको भी ब्लैक ही दे देता हूँ। आप चाहे तो इसको वाइट भी कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बस इसकी एक कॉपी करनी है, आधे हाथ को अगर वाइट करना है तो मैं इसकी कॉपी करके आपको फिर से वही इरेजर पर जाना होगा, और ये छोटा सा हाथ यहाँ काट के आपको इस प्रकार से, और ये हटाना पड़ेगा पूरा, ठीक है, ऐसे ये, और इसका कलर चेंज करना पड़ेगा आपको अगर आप लगाना चाहते हो तो।
वैसे लगाने की आवश्यकता है नहीं, आप लगाना चाहो लगा दो, क्योंकि बहुत से ऐसे आप देखोगे इसमें कि बहुत से ऐसे हैं कैरेक्टर बना रखे हैं इसमें जो बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है। अगर आप टिन क्राफ्ट में देखें बहुत से कैरेक्टर मिलेंगे आपको, बिल्कुल इसकी उंगलियां वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैंने केवल आपको एक बताने के लिए बताया कि आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सेट करने में वो है, चलो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। और अभी मैं बता रहा था आपको कि मेरे को हाथ सेट करना है इसमें, तो इसमें हाथ लगा देता हूँ मैं थोड़ा छोटा साइज करके। कुछ इस प्रकार से इसकी एक कॉपी और कर लेते हैं हम, ताकि सेकंड हाथ में भी लगा सके। हाँ, ये दे सकते हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे बन सकता है कैरेक्टर। और अभी मैंने जो सेकंड वाले में मैंने जो स्टार लगा रखा था, आप चाहे तो इसकी पॉकेट बना सकते हैं, पॉकेट जिसको हम जेब कहते हैं हमारी भाषा में, आप चाहे तो इसमें पॉकेट बना सकते हैं इसका एक छोटा सा ऐसे करके, और यहाँ लगा सकते हैं इसको। और इसमें आप कलर दे दीजिए, यहाँ से कलर दे सकते हैं कोई सा भी एक, आप अपने अनुसार कोई भी एक कलर दे दीजिए, मैं इसको रेड दे देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कार्टून, हमारा फ्रंट वाला एरिया। ठीक है, अब सेकंड एरिया बनाने के लिए आप इसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछ आगे से ये बस हटा दीजिए। रही बात इसकी आँखों की और उसकी, तो मैं अभी बता देता हूँ उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो आप उसको सेव कीजिए एक बार, मैंने इसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद आप चाहें तो इसके बाल वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाल वगैरह लगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है स्केच बुक वन। इस स्केच बुक वन में जाकर आपको, और इस पर क्लिक किया मैंने, दोबारा से फ़ोटो ले लेता हूँ, ये लिया, अब देख सकते ये आ गया मेरा। अब इस पर काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको ओके करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक नीचे पिन की दे रखा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा जूम कर लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा साइज वो कर लीजिए इसका, थोड़ी वो हल्का से गहरी वो कर दिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बाल वगैरह बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे थोड़ा इसकी साइज कम कर लीजिए, बैक जा आप अपने अनुसार सेट कर लीजिए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ इसका, ऐसे नॉर्मली ऐसे। ऐसे मैं लटका देता हूँ थोड़े से बाल ऐसे ही, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। और थोड़ा मुझे बारीक करनी है इसको, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम इसको ऊपर से। ठीक है, और ये ऊपर थोड़ा सा वो ज़्यादा हो गया ये, और मैं इसको कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ ये। काफ़ी सावधानी से आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये। ठीक है, अब आपको इसको सेव कर लेना थोड़ा सा, मैंने इसको थोड़ा जल्दबाजी में बनाया ऐसे ही, आप अच्छे से बना लेना इसको, तो इसको सेव कर लेना आप।
सबसे पहले तो इसकी जूम क्वालिटी है उसको कम करना है हमें, ठीक है, जो हमें हमने अभी बढ़ाई थी वो मैंने कम कर दिया। अब इसको डन करना है पहले, सबसे पहले तो अब यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है हमारी ये, ठीक है, ये हो चुका है हमारा डाउनलोड, और यहाँ से सेव कर सकते हैं एक्सपोर्ट पे जाकर। ये फ़ोटो हो गई तैयार, अब हम चलते हैं काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में देख सकते हो मैंने कैसे इसको इस्तेमाल किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था तो उसको मैं चला के बता देता हूँ, और मैं अब आपको फिर से आपको ये बताऊँगा कैसे ये काम करता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर ले रखा है मैंने, और ये मैंने वहीं पे बनाया था कैरेक्टर, ठीक है, ये कैरेक्टर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं इसकी आईज ब्लिंक कर ब्लिंक तो कर रही कैसा है, लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल देख सकते हैं यहाँ सब्सक्राइब पे, कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते ही हमारा जो नया वीडियो आएगा वो आपको और जल्दी ये एम पहुंचाएगा। जियो जैसे इस तरह के सेम बहुत आप से देख ऐसे सकते हैं वीडियो यहाँ हम पे मैंने आपके ये लिए बनाया लाते है, रहते हैं, और इसके तो जाने हमारे जाने के चैनल लिए से भी जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए आप भी इस धन्यवाद। प्रकार से बना सकते हैं तो वीडियो, चलिए अब चलते ठीक है, हैं। और ये जाने के लिए देखो बैकग्राउंड का ये आपका, वहीं से आप बैकग्राउंड बनाना होगा। अब मैं आप बताता हूँ कि किस प्रकार से बनाया आपको, ठीक है, तो मैं इसी में कर देता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ ऐसे कैसे बना देता हूँ पहले जैसा। तो आपको सबसे पहले आपको अपनी जो ग्रीन स्किन की फ़ोटो है यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बैकग्राउंड लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने मीडियम जाना है, मीडियम जाके एक बैकग्राउंड कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसके बाद में आपको लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद में आपको यहाँ से आपकी वो फ़ोटो लेनी है या फिर वो कैरेक्टर लेना है जो आपने बनाया है, तो वो कैरेक्टर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मैंने जो अभी बनाया था जस्ट ये रहा, अभी मैंने आप ही के सामने बनाया था ये, और इसको मैं थोड़ा पीछे खिसका देता हूँ। इस पर क्लिक होने के बाद में आपको यहाँ क्रोमा की एक ऑप्शन देता है, उसको आपको यहाँ इनेबल करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सेट करना है आपके अनुसार, ये हो गया, ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सेट कर लेना है, ये ठीक है अब, ठीक है, उसके बाद में आपको ओके करना है, लेयर में फिर से जाना है, मीडिया में जाना है, और आपको यहाँ पे जाना है डाउनलोड में, मतलब आपके पास अगर कोई आई ब्लिंकिंग है या माउथ का बोलने का एनिमेशन माउथ है तो उसको यहाँ पे आप सेट कर दीजिए, तो मेरे पास फिलहाल है तो मैं करता हूँ इसमें, आप भी इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे पास कई है, आईज भी है, ये मैं पूरा माउथ वाले ले लेता हूँ, मैं दोनों बता देता हूँ। चलो इसको मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, फ्री है ये, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको यूज़ करने के बाद में आपको, तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि कोई आईज भी थोड़ा कैटरी में हमारा थोड़ा ठीक लगे जब, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा साइज छोटी कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ एक बार, और ये इस प्रकार से आपको इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है एक बार, ठीक है, अब ठीक है। उसके बाद फिर से हमको इसका माउथ लेना है, और माउथ जो है मेरे पास माउथ भी है, मैं ये ले लेता हूँ, और इसको भी क्रोमा की में जाके आपको इनेबल करना है, ठीक है, ये ठीक है, और इसको क्लिक करना है, इसकी साइज छोटी करना है, सेट कर लेना है आपको इसके अनुसार जैसा ये है, ठीक है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर लेना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, और उसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, अब ठीक है, चलो अब देख सकते हैं यहाँ पे, और अब ये चलने लगेगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते ही हमारा जो नया, तो ये था यहाँ तक, मैं इसको थोड़ा सा आगे तक ले लेता हूँ, और यहाँ से इसको आप
इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ। अब देखिए इसको एक बार। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते ही हमारा जो नया वीडियो आएगा वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत से ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद। तो चलिए अब चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कार्टून कैरेक्टर बनाकर काइनमास्टर में स्किन हटाकर MGO जैसी वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तो अगर आपके इस वीडियो से कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, मैं उस पर काफ़ी आपको रिप्लाई कर दूंगा या इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।